कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जैक और नेट्री के 3 बच्चे हो गए। उन्होंने पहले बेटे का नाम नेट्याम, दूसरे बेटे का नाम लोआक और तीसरी बेटी का नाम टू रखा। इसके साथ ही जैक को अपनी दोस्त डॉक्टर ग्रेस, जो कि मर चुकी थी, उसके अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली, जिसे उसने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम किरी रखा। इसके अलावा उसने एक और छोटे इंसानी बच्चे को भी गोद लिया, जो छोटा होने की वजह से स्लीपिंग चैम्बर में नहीं आ पाया था, जिससे वो उसी प्लेनेट में रह गया था। दरअसल वो उस कर्नल का बेटा था जिसे नेट्री ने मार डाला था। उन्होंने उसका नाम स्पाइडर रखा और तब से वो इंसानी बच्चा जैक के बच्चों के साथ ही रहकर बड़ा होने लगा और उन्हें ही अपना परिवार मानने लगा। लेकिन नेट्री फिर भी उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी, वो उसे बाकी बुरे इंसानों की तरह ही समझती थी। पैंडोरा के सभी लोग भगवान एवा को अपनी देवी मानते थे और फिर बाकी लोगों की तरह जैक ने भी खुद ही अपने बच्चों को तीर चलाना, शिकार करना और दुश्मनों से मुकाबला करना सिखाया और वो लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब एक रात को जैक देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा तारा चमक रहा है, कुछ देर बाद पता चलता है कि वो चीज कोई तारा नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, जिसका मतलब ये था कि इंसान एक बार फिर से उनके प्लेनेट में अटैक करने आ चुके हैं। इंसानों के बड़े बड़े स्पेसशिप जब पैंडोरा पर लैंड करते हैं तो उनके धमाके से जंगल में आग लग जाती है, जिससे जंगल के सभी जानवर और पेड़ नष्ट होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप से कई सारे बड़े बड़े रोबोट बाहर निकल रहे हैं, जो कि पहले के मुकाबले कई ज्यादा गुना एडवांस और खतरनाक है। और इस बार इंसान अपनी पहली हार को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ आए थे और इस बार अपने साथ पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ी और आधुनिक मशीनें भी लाए थे, जो कि बड़ी आसानी से पैंडोरा के जंगलों और जानवरों को तबाह कर रही थी। और ये भयानक नजारा देखकर जैक और नेट्री भी हैरान और बेबस थे और उनके पास इस तबाही के मंजर को देखने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसके बाद एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर एक अवतार जागता है। पता चलता है कि वो अवतार उसी कर्नल का है जिसे मूवी के पहले पार्ट में ही नेट्री ने मार दिया था। दरअसल कर्नल के मरने से पहले ही वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी मेमोरी और डीएनए को एक हाईटेक चीफ में स्टोर कर लिया था और कर्नल के मरने के बाद उन्होंने उसका अवतार बनाकर उसमें सारी यादों को डाल दिया था और उसका क्लोन बना दिया। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और कई सारे सैनिकों का भी अवतार बना दिया था, जिनका मकसद था जैक सूली को पकड़ना और उनको खत्म करके अपना मकसद पूरा करना। हम दूसरी तरफ देखते हैं जैक और उसके साथियों को, जिन्होंने इंसानों के हथियार से भरी ट्रेन पर हमला कर दिया है और वो सभी ट्रेन से हथियार को लूट रहे हैं। इसी दौरान हम जैक के दोनों बेटों को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़े हो चुके हैं। उन्हें दुश्मनों पर नजर रखने का काम दिया गया था, लेकिन वो लोग भी अपना काम छोड़कर हथियार लूटने के लिए नीचे आ जाते हैं। लेकिन तभी हवाई जहाज के एक हमले से जैक का बड़ा बेटा घायल हो जाता है, लेकिन किस्मत से उसे कोई गहरी चोट नहीं लगती है। जैक उसे उठाकर अपने घर ले आता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी नावी लोग गुफाओं के बीच छुपकर रह रहे होते हैं, क्योंकि इंसानों ने उनका घर उजाड़ दिया था। इसके बाद कर्नल और उसके साथी पैंडोरा की एक बेस पर पहुंचते हैं और वहां की जनरल उन्हें बताती है कि अब पृथ्वी पर जिंदा रहने के साधन खत्म हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अब पैंडोरा इंसानों के रहने लायक बनाना होगा। लेकिन जैक उनके कार्य में बाधा डाल रहा था, इसलिए वो कहती है कि जैक को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। जनरल बताती है कि वो लोग पहाड़ों के बीच कहीं पर छुपे हुए हैं। हमने जितने भी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके बाद कर्नल जनरल और उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है और उसी जंगल में जैक के बच्चे भी घूमने के लिए आए होते हैं। और जब वो दूर से कर्नल को देखते हैं तो तुरंत ही जैक को खबर कर देते हैं। ये सुनकर जैक उन्हें बताता है कि जल्दी वहां से भाग आओ। जैसे ही बच्चे वहां से भाग रहे होते हैं, तभी कर्नल के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और कर्नल को जब पता चलता है कि ये लोग जैक के बच्चे हैं, तो वो उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी नेट्री और जैक भी वहां जाते हैं और पेड़ के पीछे से तीर चलाकर कर्नल के आदमियों को मारने लगते हैं और बहुत कोशिशों से वो किसी तरह से कर्नल के आदमियों से लड़ने के बाद अपने बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन वो स्पाइडर को नहीं बचा पाते और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहां पर कर्नल को भी ये पता चलता है कि स्पाइडर मेरा ही बेटा है। दूसरी तरफ जैक अपनी बीवी से कहता है कि उन्हें कबीला छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा।
क्योंकि इंसान सिर्फ जैक के परिवार को ही ढूंढ रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहता कि बाकी कबीले वाले उसकी वजह से मारे जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जैक का पता जानने के लिए स्पाइडर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। ये देखकर कर्नल उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो स्पाइडर को बताता है कि वही उसके पिता का क्लोन है और वो स्पाइडर को आजाद करने का झांसा देकर अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। और दूसरी तरफ जैक किसी और को अपने कबीले का मुखिया बनाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से जाने लगता है। और फिर से सभी लोग अपने अपने उड़ने वाले इकरान पर बैठकर दूसरे कबीले की खोज में वहां से निकल जाते हैं। कई सारे समुद्र और आइलैंड को पार करने के बाद उन्हें समुद्र के किनारे मटिकाना का नाम का एक ऐसा कबीला मिलता है जहां के लोग जमीन और पानी दोनों जगह में आसानी से रह सकते थे और उनके शरीर की बनावट भी जैक और उसके परिवार से काफी अलग थी। वहां के लोग जब जैक और उसकी फैमिली के पतले हाथ और पतले पोस्चर को देखते हैं तो वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी उस कबीले का मुखिया पानी से निकलकर बाहर आता है। वो मुखिया जैक के बारे में पहले से जानता था। जैक उससे कहता है कि वो अपने परिवार को लेकर उसके साथ रहना चाहता है, पर इस पर मुखिया कहते हैं कि वो लोग वहां नहीं रह सकते क्योंकि वो लोग हमेशा पानी में रहते हैं, लेकिन जैक और उसका परिवार हमेशा जंगलों में रहता आ रहा है, इसलिए वो लोग यहां नहीं रह पाएंगे। इस पर जैक कहते हैं कि वो लोग उनके रहने और तौर तरीकों को सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही जैक ये भी कहता है कि उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ रहने की परमिशन चाहिए। ये सुनकर मुखिया उन्हें अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है और जैक के बच्चों को अपने तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी वो अपने बच्चों को देता है। इसके बाद जैक के बच्चे मुखिया के बच्चों के साथ पानी की सैर करते हैं और उनके तौर तरीकों को सीखने लगते हैं और वो लोग पानी में रहने वाले जानवरों की सवारी करना भी सीखते हैं। पहली बार समुद्री क्रिएचर की सवारी करने के दौरान जैक का बेटा क्रिएचर से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं। शुरुआत में उन सभी को उनके तौर तरीके सीखने में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग उनके रहन सहन को अपनाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कर्नल भी स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक उड़ने वाला इकरान चुनने के लिए जाता है ताकि वो जैक से बराबरी का मुकाबला कर सके। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो इकरान को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैक और उसके परिवार वाले भी अब धीरे धीरे कबीले के माहौल में ढलने लगते हैं, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा अपने दोस्तों के साथ गिरी का मजाक उड़ाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां गिरी के भाई आ जाते हैं और मुखिया के बेटे के साथ लड़ने लग जाते हैं। जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने बच्चों को डांटने लगता है और कहता है कि उन्हें यहाँ के सभी लोगों के साथ दोस्ती बनाकर रखनी होगी, इसलिए वो अपने बेटे कोआक को मुखिया के बेटे से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद लोआक जब मुखिया के बेटे से माफी मांगने जाता है तो मुखिया का बेटा उसे माफ कर देता है और उसे अपने साथ मछली पकड़ने के लिए चलने को कहता है, लेकिन लोआक को ये पता नहीं था कि ये उसकी चाल है, इसलिए वो अकेला ही मुखिया के बेटे और उसके दोस्तों के साथ दूर समुद्र में चले जाता है। मुखिया का बेटा लोआक को मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है और खुद अपने दोस्तों के साथ वहीं पर उसे छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लोआक को पता चलता है कि वो उस सुनसान समुद्र में अकेला ही रह गया है, लेकिन तभी शार्क की तरह दिखने वाली एक मछली उस पर हमला कर देती है और उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लोआक भी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के अंदर पत्थरों के बीच से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी एक व्हेल मछली की तरह दिखने वाली बड़ी सी मछली उस मछली पर हमला करके उसे मार देती है। लेकिन तब तक लोआक की ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब लोआक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बड़ी मछली के पीठ पर पाता है। फिर वो उस मछली को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस मछली के पंख पर लोहे का एक हुक फंसा हुआ है, जिसे वो बाहर निकाल देता है, जिससे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो मछली लोआक को उसके घर तक पहुंचा देती है, जहां पर जैक और कबीले के बाकी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। मुखिया को जब अपने बेटे की गलती का पता चलता है तो वो सबके सामने अपने बेटे को सजा देने लगता है। इस पर लोआक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, समुद्र में जाने का आइडिया मेरा था। ये कहने के बाद लोआक मुखिया के बेटे को सजा से बचा लेता है, जिस वजह से मुखिया के बेटे और लोआक के बीच में सच में दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन लोआक सभी दोस्तों को उस व्हेल मछली के बारे में बताता है, जिस पर मुखिया की बेटी कहती है कि उसे टुलकुन कहा जाता है और जिस मछली ने उसकी जान बचाई वो पाइकन है, जिसे उसकी टुलकुन बिरादरी से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने कई सारे नावी लोगों की जान ले ली थी। लेकिन लोआक को यह विश्वास नहीं होता कि पाइकन
पाइकन किसी को मार सकता है क्योंकि उसी पाइकन ने उसकी जान बचाई थी। लुआक फिर से पाइकन से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में गोता लगाकर खेलने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ कर्नल एक बहुत बड़ी सी शिप में जैक के परिवार को ढूंढ रहा था। दरअसल वो जिस मशीन में बैठा था उससे इंसान कई बड़े बड़े टुलकुन का शिकार किया करते थे। फिर कुछ देर में कर्नल एक दूसरे समुद्री कबीले के पास पहुंच जाता है और वो वहां के लोगों से बंदूक की नोक पर जैक के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उन लोगों को जैक के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर भी कर्नल उन लोगों को और ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। इस पर स्पाइडर कर्नल से कहता है कि ये सच बोल रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन वहां से जाने से पहले वो लोग उस गांव को आग लगाकर उनके घरों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद कर्नल एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो लोग किनारे पर टुलकुन का शिकार करेंगे और जब जैक और बाकी कबीले वाले उनका बदला लेने के लिए आएंगे तो वो जैक को आसानी से ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ लुआक जब पाइकन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि पाइकन ने किसी की भी जान नहीं ली थी, बल्कि नावी लोगों को मारने वाले तो इंसानी शिकार थे जिसका इल्जाम पाइकन पर आ गया था, जिससे उसे टुलकुन बिरादरी से बाहर करके अकेला छोड़ दिया था। यहां दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी बड़ी आधुनिक मशीनों से टुलकुन के ऊपर हमला कर देते हैं जो अपने बच्चों के साथ तैर रही होती है। वो टुलकुन अपनी जान बचाने के लिए काफी चीख चिल्ला रही होती है और आखिर में कई प्रयासों के बाद इंसान उसको मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग उसको अपने साथ लेकर आते हैं, जहां पर वो लोग टुलकुन के मुंह के ऊपर ड्रिल करके उसमें छेद कर देते हैं और उसके दिमाग में से एक पीले कलर का लिक्विड बाहर निकालते हैं। पता चलता है कि उस पीले रंग के लिक्विड की मदद से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती है, इसलिए इस लिक्विड की कीमत मार्केट में कई गुना बढ़ जाती है और इंसानों के पेंडोरा पर आने और वहां रहने का खर्च भी इसी से निकलता है। लिक्विड को निकालने के बाद इंसान टुलकुन की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। जब कबीले के लोग उस टुलकुन की लाश को देखते हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो टुलकुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये देखकर सभी कबीले वालों को गुस्सा आ जाता है और वो इंसानों से लड़कर अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर जैक उन्हें बताता है कि यह कर्नल की चाल है और हम लोग इंसानों के आधुनिक हथियारों का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय हमें सभी टुलकुनों को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए क्योंकि इंसान उस लिक्विड के लिए कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। टुलकुन के शिकार के बारे में सुनकर लुआक को पाइकन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए जाने लगता है। लुआक को जाते हुए देखकर उसके भाई बहन भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं और जब वो पाइकन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इंसानों ने पाइकन के शरीर पर ट्रैकर लगा दिया है, जिसका मतलब ये था कि इंसानों का अगला शिकार पाइकन ही होने वाला है। फिर ये सभी लोग मिलकर ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कर्नल और उसके साथी भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर लुआक अपने पिता को इस बारे में बताता है और फिर जैक और भी अपने साथियों के साथ उनको बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ लुआक और उसके साथी किसी तरह से पाइकन के शरीर से ट्रैकर को आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी कर्नल के आदमी भी उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब मुखिया की बेटी को एक रोबोट मारने ही वाला होता है तो तभी लुआक उसे आकर बचा लेता है, लेकिन इसके बाद कर्नल उन्हें एक बड़े से जाल में फंसा लेता है और उठाकर अपने शिप पर ले जाता है। तब तक जैक और उसके साथी भी वहां पर आ चुके होते हैं और वो देखते हैं कि कर्नल ने उनके बच्चों को शिप से बांध कर रखा है। कर्नल जैक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे अकेले ही उससे लड़ना होगा। जैक उसकी बात को मान लेता है और अकेले ही वहां जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान पाइकन अचानक से पानी से बाहर आकर शिप पर चढ़ जाता है और कर्नल के लोगों को मारने लगता है। ये देखकर जैक और उसके साथी भी मिलकर कर्नल पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी कर्नल किरी और जैक के छोटे बेटे को पकड़ लेता है। फिर इन्हें बचाने के दौरान जैक के बड़े बेटे नेटियम को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैक अपने बेटे की मौत से काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब इससे उनको कर्नल पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर जैक और नेट्री मिलकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए शिप में आ जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर शिप को ब्लास्ट कर देते हैं और गुस्से में इंसानों को बेरहमी से मारने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल किरी की गर्दन पर चाकू रखकर बाहर आता है। ये देखकर नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिस वजह से कर्नल को मजबूरी में किरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैक सभी को वहां से चले जाने को कहता है और खुद कर्नल के साथ लड़ाई करने लगता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इस दौरान शिप की हालत भी बहुत खराब होने लगी थी और वो डूबने लगा था। फिर शिप के पलट जाने के कारण सभी लोग वहीं पर फंस जाते हैं और पानी के अंदर जैक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर पानी में डुबा देता है
और खुद पानी से बाहर निकल जाता है। नेटरी और उसकी बेटी भी इस शिप में फंसे हुए होते हैं। तभी किरी उनके पास आती है और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल को बचाकर किनारे पर दे आता है, क्योंकि जब नेटरी ने स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखा था तो कर्नल ने ही उसकी जान बचाई थी। इसके बाद जब कर्नल स्पाइडर को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है तो स्पाइडर उसे मना कर देता है और वापस जैक और उसके परिवार के साथ लौट जाता है। और ये देखकर जैक भी बहुत खुश हो जाता है। और इसके बाद जैक अपने बड़े बेटे की बॉडी को उनके भगवान एवा को समर्पित कर देता है। और अंत में जैक अपने परिवार के साथ इस कबीले के साथ ही रहने लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।